ये आपको दिया गया है ठीक है tan inverse x और आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है f डबल डैश x कह लीजिए y2 कह लीजिए या d2y / dx2 कर लीजिए आपको फाइंड आउट करना है तो पहले तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में सिंगल डेरिवेटिव निकलेगा तो पहले हम इसे अज्यूम कर लेते हैं let y equals to tan inverse x दैट इज इक्वेशन नंबर 1 नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा आपका d / dx ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू d / dx ऑफ tan inverse x that comes out to be 1 by 1 plus x is for ye tan inverse x ka differentiation hota hai aur ye aapka kya ho gaya dy by dx theek hai ab yahan ke baad hum log again differentiate kar dete hain isi step pe to differentiating with respect to x kya ho jayega aapka dy dx of dy by dx that is equals to dy dx of 1 upon 1 plus x square अब देखिए 1 upon 1 plus x square इसका मतलब क्या होगा कि 1 plus, ये first function हो गया नीचे second function हो गया तो division rule लगाना पड़ेगा division rule क्या कहता है second का whole square हाँ इसे first मान ले रहे हैं और ये एक second हमारा है ठीक है तो second का whole square second 1 plus x square second हो गया d by dx of first minus first d by dx of second मतलब 1 plus x square अब सिंपल 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो इन सारी चीजों को 0 कर देगा ठीक है तो ये सारा खत्म हो जाएगा टर्म ठीक और इधर क्या हो गया आपका d2y / dx square ठीक इधर देख लेते हैं हम लोग यहां पे ये 0 हो गया यहां क्या बचा आपका d2y / dx square दैट कुड बी रिटन एज ए माइनस और 1 का आपका 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा तो फाइनली 2x आ गया नीचे क्या हो गया आपका 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज योर डबल डेरिवेटिव या y2 या यू कह f डबल डैश x